टिंकरकैड के आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है एडटिनी, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने आर्डिनो को बहुत यूज़ किया होगा, आर्डिनो बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं जिस पे प्रोग्राम करते हैं। तो आज हम एडटिनी देखेंगे। एडटिनी क्या है? आपके आर्डिनो बोर्ड का छोटा भाई समझ सकते हो आप, ये उसका छोटा फॉर्मेट है, काम वही करता है जैसे आर्डिनो से एनालॉग वैल्यू और डिजिटल वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक उसी टाइप से एडटिनी भी हमारा काम करता है। और ये छोटी सी आईसी है, इसको अगर हम देखेंगे तो अब हमें इस पर कोड भी करना है। जैसे आर्डिनो जब लेके आते हैं उसके साथ भी कुछ बेसिक कोड आते हैं, इसके साथ भी कुछ बेसिक कोड आते हैं, तो हम कोडिंग भी करेंगे इस पर। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि एडटिनी है क्या और इसकी जो लेग्स हैं ये कैसे कनेक्ट करनी है आपको। तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखेंगे ये एडटिनी है। एडटिनी क्या, जो ये नोच बना हुआ, कट बना हुआ होता है, कट के राइट हैंड से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर की जो पिन होती है उसको हम ग्राउंड सप्लाई देते हैं। फिर 5 6 7 8वें नंबर की जो पिन है, जो लेफ्ट से फर्स्ट पिन है, वो होगी हमारी इस कट के लेफ्ट वाली फर्स्ट पिन, इसको हम 3 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे, क्योंकि ये आईसी है और आईसी हमारे 3 वोल्ट पे ही रन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 और 5 और 6 नंबर की जो पिन है इसको हम डिजिटल पिन की तरह यूज़ करते हैं, या फिर इनको हम PWM पिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उनके पास में जो ये A0 A1 A3 और A2 है, ये एनालॉग पिन है, हम इन्हें एनालॉग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। आज हम इसके डिजिटल पिन को समझेंगे कि डिजिटल पिन को हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ बेसिक कंपोनेंट लगाए, यहाँ पर आप कॉल कर दोगे तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ एडटिनी आप ले सकते हो, या फिर यहाँ आप टाइप भी कर सकते हो सर्च में एडटिनी। जैसे आप एडटिनी सर्च करोगे तो यहाँ पर एडटिनी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ से एडटिनी ले सकते हैं। तो ये एडटिनी हमारे पास में आ गया। आप चलो इसको पावर सप्लाई देते हैं ताकि ये काम करे। तो पावर सप्लाई देने के लिए इसको 3 वोल्ट देना है, तो 3 वोल्ट के लिए हमारे पास में बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है, हम 3 वोल्ट से इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो ये रहा हमारा 1.5 वोल्ट का पावर सप्लाई, लेकिन हमें क्या करना है, इस LED को अभी हम डिलीट कर देते हैं। हमें 3 वोल्ट अगर चाहिए तो हमें ये डबल करनी पड़ेगी बैटरी को, तो 1.5 और 1.5 3 वोल्ट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव वाले लेग को हम जोड़ते हैं इसके पावर सप्लाई की लेग से, जो कि एडटिनी की जो पावर सप्लाई की लेग है, और वायर को कनेक्ट करते हैं रेड से। फिर जो इसका ब्लैक वाला पोर्शन है यानी नेगेटिव पावर सप्लाई, उसको हम इसके ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। और इसका कलर करते हैं ब्लैक, क्योंकि ये नेगेटिव पावर सप्लाई है। तो इसका मतलब अब ये ऐसी रन होने लगी है, काम करने लगी है, एक्टिव हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटपुट से डिजिटल पावर या डिजिटल वैल्यू निकलने लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट से एक डिजिटल कंपोनेंट को कनेक्ट करने वाले हैं। हमने एक LED कनेक्ट करी और इस LED को भी हमें पावर देनी, तो इसके प्लस वाले पॉइंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस IC से, जो कि एडटिनी नाम है इसका, क्योंकि यहाँ से डिजिटल वैल्यू निकल रही है। और इसको हम किसी और कलर से करते हैं क्योंकि यहाँ से डिजिटल आउटपुट आएगा। पर इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इस तरह से, तो या फिर आप डायरेक्टली उसको सेल से भी कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ से सीधे नेगेटिव वायर लिख करके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हमने ब्लैक कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस LED को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। पर अभी हम अगर सिमुलेट कराते हैं तो आप देखोगे सिमुलेशन हमारा हो तो रहा है और LED जल भी रही है और ऑन ऑफ हो रही है। देखिए ऑन ऑफ, अपने आप ऑन ऑफ क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एडटिनी लेके आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके कुछ ब्लॉक हैं वो इसके साथ आ रहे हैं, और ये जो ब्लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट ये P0 के लिए ही बन के आते हैं, क्योंकि ये भी हमारी डिजिटल पिन है PB1 जो है। अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखोगे जब हम सिमुलेट कराएंगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोडिंग में जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आए हैं वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इस पिन के लिए आते हैं। तो हम चलते हैं, अगर ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हमें हमारे पास नहीं है और हमें ये पिन से इसको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पर आउटपुट में जाना है और आउटपुट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट पिन, तो इस ब्लॉक को लेकर क्या आना है, ये जो ब्लॉक है ये डिजिटल पिन के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी पिन हमने यूज करी हुई है। तो देखिए अगर ये एट इनी में टोटल 6 पिन है, तो 6 पिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया 1 2 3 4 5 6। अगर यही आर्डिनो में होता है तो 13 पिन के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये अपने आप डिसाइड कर लेता है कि आपने एट इनी लिया है तो हमें 6 पिन का ही ऑप्शन देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 0 पिन ये है और 1 नंबर की पिन ये यहाँ पर है, तो हम ये 1 नंबर पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको 1 पे क्लिक करेंगे और 1 को हम हाई भेजेंगे। आप देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए एलईडी हमारी जल गई, लेकिन ये 1 नंबर पर अगर हम लो भेजते हैं, यहाँ से लो पावर भेजते हैं, तो ये एलईडी हमारी नहीं जलेगी, ऑफ है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर को तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव तो प्रॉपर जा रही है, लेकिन हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, इस वाली लेग को, तो इसको जब हम 0 भेज रहे हैं तो इसको पावर नहीं मिल रही है और ये नहीं जलेगी, जब यन 1 भेज रहे हैं तो इसको पावर मिलेगी और ये जलने लगेगी हमारी। तो इसी टाइप से अगर हम इसको 0 नंबर पे कनेक्ट करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, यहाँ से हम अगर हम डिजिटल 0 पे कनेक्ट करते तो क्या होता हमारे पास में, तो हमें कोडिंग को चेंज करना होता, क्योंकि हमने 0 वाले पिन पे कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ बताना होता हमें कि पिन नंबर 0 जो है उस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है और इस पर हम लो भेज रहे हैं अभी, लेकिन हम इस पर हाई वोल्टेज भेजेंगे, तो इसको एलईडी को हाई और लो दोनों मिल गया है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो करनी चाहिए, ग्लो हो रही है, लेकिन अगर इस पर हम लो भेजते हैं तो हमारे इस पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है और ये नहीं जलेगी। तो हमने इस तरह से देखा कि एट इनी की दो डिजिटल पिन होती हैं, जिसको हम 0 और 1 बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा है PB0 यानी 0 नंबर पिन, PB1 मतलब 1 नंबर पिन, यहाँ पर देखिए PB2 है मतलब 2 नंबर पिन, पर ये बाकी की जो है वो एनालॉग के लिए यूज़ करी जाते हैं। तो हम इन डिजिटल पिन को आज यूज़ कर चुके हैं, अगली वीडियो में हम इनके PWM पिन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एनालॉग वैल्यू है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन पिन्स के थ्रू। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना और शेयर जरूर करना।